नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर बहराइच पहुंचे अपना दल के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष आशीष पटेल ने जनपद बहराइच का दौरा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी सभी जिलों और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे कोई समझौता नहीं होता है तो वो फैसला राष्ट्रीय स्तर से लिया जाएगा। उनका कहना है कि आगामी चुनाव को लेकर हर जगह अलग अलग पदाधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, जिसको लेकर आज उनका दौरा बहराइच में किया गया, तो कल जनपद लखीमपुर खीरी में वो दौरा करेंगे। तो मैं इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रफीकुल्ला खान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रफीक जी, क्या कुछ स्थिति इस वक्त नजर आ रही है वहां पर, किस तरह से ये दौरा जो है देखा जा रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो है चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, प्रधानी चुनाव सर पर आ गया है, जिसके कारण अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष बहराइच आए और उन्होंने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही है। जी, तो अब क्या कुछ जो है उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्योंकि तैयारी और प्रचार हम देख पा रहे हैं कि काफी जोरों शोरों से चल रहा है, तो इसके साथ साथ अब लखीमपुर खीरी की ओर भी वो कल रुख करेंगे। पर आज मैं जानना चाहूंगी, आज जिस वक्त ये दौरा किया गया, उस वक्त क्या कुछ बयान सामने आया, क्या कुछ निर्देश उनकी तरफ से दिए गए, क्या कुछ इस पर विस्तार से बताइए जरा। कार्यकारिणी अध्यक्ष आशीष पटेल ने जनपद बहराइच का दौरा किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी सभी जिलों और सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएगी और किसी भी पार्टी से समझौता नहीं करेगी। जी, तो क्या कुछ लगता है इनके दौरे को लेकर जो है, जो आगे के कार्यकर्ता रहे पार्टी के, उनकी तरफ से क्या सी कैसी प्रतिक्रिया जो है देखने को मिली? इनके दौरे को लेकर के खास तौर से समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है, क्योंकि इनके सभी सीटों पर इनके प्रत्याशी लड़ेंगे, जिससे सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी का पहुंच रहा है। तो जिस तरह से अलग अलग पदाधिकारियों को जो है ड्यूटी पर लगाने की बात की जा रही है, उससे क्या कुछ साबित होता है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है कि इस तरह के जो प्रचार से लोगों पर किस तरह का असर जो है देखने को मिल सकता है? लोगों पर ये था कि पहले तो लोग ये समझ रहे थे कि ये छोटी जो क्षेत्रीय पार्टी है सब मिलकर के लड़ेंगी, मगर अब इससे स्पष्ट हो गया है कि अपना दल किसी भी पार्टी से मिलकर के नहीं लड़ेगा और जो भी सारी सीटों पर चुनाव अपने प्रत्याशी लड़ाएगा मजबूती से स्वयं अकेली पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं से इंटरनल इनके साथ में समर्थन के बात भी चल रही थी, मगर इन्होंने आज क्लियर कर दिया कि किसी का समर्थन न लेंगे और ना किसी को देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मैं आपको बता दें कि इस तरह से प्रचार जो है जोरों शोरों से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है।